नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। डबरा तहसीलदार विनीत गोयल ने चुन्नत खदानों से ही मिट्टी मुरम का उत्खनन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो समय समय पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन नहीं होना चाहिए। जिले में अवैध खनन या परिवहन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार निर्माण के लिए चिन्हित खदानों से मिट्टी मुरम का खनन करेंगे, जिससे शासन को रॉयल्टी प्राप्त हो सके। क्षेत्र में लगातार रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या किस तरह से कार्रवाई राजस्व कर रहा है? लगातार हमारे मीडिया के साथियों और आमजन के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जा रहा है। उसमें लगातार हम लोगों ने 7 दिन में कार्रवाई की है। 5 डंपर हमने गिट्टी के पकड़े हैं, रेत का 1 डंपर पकड़ा है, 2 ट्रैक्टर पकड़े हैं, इसके अलावा 1 JCB जब्ती है। लगातार सूचना आ रही है, इसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और इसमें हमने माइनिंग से भी मदद मांगी है और आगामी निर्वाचन को देखते हुए भी हम और तेजी से इसमें कार्रवाई करेंगे और उत्खनन को बिल्कुल रोकना सुनिश्चित करेंगे। तो नदी में पनडुब्बियां डली हुई हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, देखा देखने को मिलता है कि नहीं, ये भी उत्खनन हो रहा है, ये भी सुनने में आया पनडुब्बियों का। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं और इन पनडुब्बियों को भी हम निकाल के लाएंगे, तोड़ेंगे और संबंधितों पर हम कार्रवाई भी कराएंगे। सर, मिट्टी उत्खनन को लेकर कोई परमिशन नहीं है? नहीं, मिट्टी उत्खनन के संबंध में कुछ परमिशन माइनिंग डिपार्टमेंट से आई हुई हैं, उनको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उनका समय हुआ हो गया है पूर्ण बंद कराएंगे और अगर समय नहीं हुआ है तो फिर वो नियमानुसार चलेंगे। सर, वैसे कौन कौन से क्षेत्र में जो परमिशन थी मिट्टी की? एक चांदपुर में थी और एक शायद सरनागत में, 2 जगह मेरे संज्ञान में है अभी, मुझे मोटा मोटा जो ध्यान आ रहा है, और उसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि उनका समय पूरा हुआ है, उसको हम दिखवा लेते हैं। सर, मुरम की भी पहाड़ियों से भी मुरम का उत्खनन जारी है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है। नहीं, इसमें हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें हम माइनिंग का भी सहयोग लेंगे क्योंकि राजस्व अधिकारी चुनाव में भी थोड़ा चुनाव की कार्रवाई में भी व्यस्त हैं हम लोग, और इसमें हम अतिशीघ्र और कार्रवाई करेंगे। लगातार 1 हफ्ते से कार्रवाई कर रहे हैं और आगामी भी कार्रवाई करेंगे।